हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल के आइकन को जरूर से दबा देना। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर से करना है। तो आप सभी के लिए एक बार फिर से बहुत ही शानदार अपडेट्स लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आया हूँ और वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और स्किप ज़रा भी मत करना। स्पीड को फास्ट करके आप देख सकते हैं 1.5x की स्पीड पर, ठीक है, लेकिन स्किप जरा भी मत करना। सारी ही जितनी भी अपडेट्स हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले बात करते हैं यूपीपीएससी आरओएआरओ के बारे में, जो दो सी देखने को मिलने वाली है, तो उसके बारे में अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च के मिड में देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्च के मिड में देखने को मिलेगा। और इसके नोटिफिकेशन पे जो काम है वो 15 फरवरी के बाद से चालू होगा, ठीक है। और आरओएआरओ 2021 के रिज़ल्ट की बात करें तो ये जो है 31 दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है, और अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है तो 2-3 दिन डिले हो सकता है, यानी न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 2 या 3 जनवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 2021 का रिज़ल्ट, ठीक है, आरओएआरओ का। अब बात करते हैं यूपीपीएससी बीईओ के बारे में, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के बारे में, कि इसकी वैकेंसीज़ कब आने वाली हैं, ठीक है। तो इसकी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी 15 फरवरी तक, ठीक है, 15 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, ठीक है। और वैकेंसीज़ इसमें अच्छी रहने वाली हैं, आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन वैकेंसीज में इस बार अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी एई के बारे में, तो यूपीपीएससी एई 2023 नोटिफिकेशन है, उस पर पैटर्न को लेकर जो है, पैटर्न को लेकर पेज फंसा हुआ है, ठीक है, पैटर्न को लेकर पेज फंसा हुआ है कि क्या इसको ऑब्जेक्टिव रखना है या फिर इसको कन्वेंशनल कर देना है, ठीक है। चलिए, आपको इसका नोटिफिकेशन जो है 24-25 जनवरी तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हर हाल में। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, अभी भी वही बता रहा हूँ, अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि 24-25 जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को 110% मिलने वाला है, ठीक है, यूपीपीएससी एई 2023 का, ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा यूपीपीएससी कैलेंडर की बात करें कि यूपीपीएससी कैलेंडर कब होने वाला है, ठीक है, आउट, तो यूपीपीएससी कैलेंडर आपको 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगा यूपीपीएससी का कैलेंडर, ठीक है। बाकी आयोग पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो 31 दिसंबर तक आने के पूरे चांस हैं कि कैलेंडर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत डिले अगर होता है तो न्यू ईयर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को इसका कैलेंडर मिल जाएगा।